बात करेंगे मराठा आरक्षण की। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत गर्मा गई है। जालना लाठीचार्ज पर कई शहरों में हिंसा भड़की। शरद पवार ने घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उन्होंने पुलिसी एक्शन को अमानवीय बताते हुए शिंदे सरकार को घेरा। जालना से शुरू हुई मराठा आरक्षण की जंग महज एक दिन में महाराष्ट्र के शहर शहर में फैल गई। दरअसल जालना में 10 लोग 29 अगस्त से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। पुलिस की तरफ से बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि वो धरना खत्म कर दें। 1 सितंबर को भी 2 बार इस बारे में बात हुई, लेकिन आंदोलनकारी वहां से हटने को राजी नहीं हुए। इसके बाद की ये तस्वीरें हैं जब पंडाल में पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंदोलनकारियों को तितर बितर कर दिया। लोगों के मुताबिक इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस पुलिस कार्रवाई से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आंदोलनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। जालना पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में अगले दिन महाराष्ट्र के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मराठा आरक्षण का मामला इतना संवेदनशील है कि सरकार और विपक्ष दोनों में आंदोलनकारियों का हितैषी बनने की होड़ लगी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों जालना पहुंच गए और आंदोलनकारियों के साथ सहानुभूति जताई।2018 से मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासत हो रही है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया था। कोर्ट के फैसले के बावजूद इस मांग को लेकर आवाज उठती रहती है। बारामती और नांदेड़ सहित कुछ शहरों में कल भी बंद का ऐलान किया गया है। आज तक ब्यूरो।